हेलो हेलो वालेकुम व्हाट्सअप यूट्यूब जी जनाब जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ट्रेवल करके पहुँच चुकी थी अपने फ्रेंड के घर और इस वक्त हमने कार जो है वो पार्क की है पार्किंग में और सामान वग़ैरह जो है हम वो ऑफ लोड कर रहे हैं और ये बारह रबी अलाल की वजह से माशाल्लाह से बड़ा प्यारा सा उनका घर भी सजा हुआ था लग रहा है कि मेरे इस्कबाल में है मगर बारह रबी अला के लिए था और ये अजर जो है वो समझा कि उसको पता चला जैसे ही कि ब्लॉग बन रहा है तो भाग गया फ़ौरन लेकिन ये मेरी फ्रेंड का बेटा है इसका नाम मोहम्मद अली है और इसकी जजा से भी बहुत अच्छी दोस्ती है और अजर से भी तो बच्चे जो है इस वक्त वो इन्जॉय कर रहे हैं और हम इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं डिनर करने के लिए ज़बरदस्त सा पुरतकल्फ़ मेरी फ्रेंड ने मुझे डिनर कराया है और उसके बाद हब, अब हम निकल चुके हैं लिबर्टी मार्केट तो जी हाँ आज का व्लाग जो है इट्स ऑल अबाउट लिबर्टी मार्केट नॉट ऑल अबाउट इट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसको तो व्लॉग नहीं कर पाई लेकिन जो जो मैं कवर कर पाई थोड़ा बहुत क्योंकि हम तकरीबन नौ साढ़े नौ के करीब वहाँ निकले थे तो दस साढ़े दस शायद वो मार्केट बंद होने लग जाती है तो आधी दुकानें बंद थी लेकिन फिर भी रौनक जो है वो कमाल थी नाइट टाइम लाहौर भी बड़ा ही खूबसूरत है लाइटें ही लाइटें और रौनक ही रौनक हर जगह होती है स्पेशली फ़ूड तो कोने कोने पे वहाँ पे मौजूद है वैसे वो चीज़ कराची में भी होती है मैं लाहौर कराची लाहौर कराची का मुकाबला नहीं करूँगी बट वैसे बता रही हूँ कि कराची और लाहौर की नाइट लाइफ जो है वो तकरीबन एक जैसी मुझे लगती है पुर रौनक और यानी कि लोग जो है ना वो रात को बड़े पुरजोश हुए हुए होते हैं वहाँ पर फ़न हो रहा होता है ठीक ठाक किस्म का अच्छा जी उल्टी सीधी -सी बातें मैंने बहुत कर ली अब ये है कि हम इस वक्त पहुंच चुके हैं लिबर्टी मार्केट मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी यहाँ पे और ताहिर और जो ताहिर के मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं और अजर वो लोग दूसरी दूसरी कार में बैठ के उधर पहुँचे थे क्योंकि हमारे पास दो गा गाड़ियाँ थीं तो जी ये मार्केट का लुक आप समझ सकते हैं जिन्होंने लाहौर देखा हुआ है या जिनको लिबर्टी मार्केट के बारे में पता है उनको तो पता है कि वहाँ पे क्या मिलता है ये लोकल मार्केट है जहाँ पे हर तरह की ज्वेलरी जूते कप, लूज़ कपड़ा इवन स्टिच कपड़े भी मैंने देखे जिनको देखने का मौका तो नहीं मिला लेकिन बाहर बाहर से मुझे नज़र आया कि हर तरह की कपड़े की जूते की ज्वेलरी की यहाँ पे है इवन देखें हाथों में भी लोग हैंगर में चीज़ें लेके बेच रहे हैं क्योंकि लाहौर में सर्दी स्टार्ट होने वाली थी तो वहाँ पे स्वेटर्स वग़ैरह सब कुछ जो है वो बिक रहा था और ये जो है मेन एक लेन थी जहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो है वो दुकानें ही दुकानें थी सबसे मजे की बात मुझे ये लगती है कि लोग हाथों में लेके मतलब दुकान चल के आपके पास आ जाती है कि बाजी ये खरीद लो बाजी वो खरीद लो बाजी कमरबंद ले लो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है फिर मैं उनसे लेती भी ज़रूर हूँ अगर मुझे ज़रूरत हो तो और ये कुर्ते शुरते आजकल बड़े कराची में भी देख रही थी और ये लाहौर में भी आए हुए हैं ये ग्यारह सौ रुपए के तीन मिल जाते हैं आई एम लाइक सरप्राइज कि ये किस तरह से इसमें एवरेज निकालते हैं क्या प्रॉफिट कमाते होंगे क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना है तो हज़ार रुपये में तीन कुर्तियाँ इज़ लाइक like सुपर ये शायद मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा था बहरहाल मेन रीज़न इस मार्केट में आने का ये था कि मुझे मैंने सुना था कि लाहौर में जो जूते वगैरह हैं यानी कि खुदे वगैरह वो अच्छे मिलते हैं तो वो ही लेने में इस मार्केट में आई थी क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के लिए और अपने लिए भी एक आधा कोई गुस्सा लेना था तो इस मार्केट से हमने दो चार खुस्से उठाए हैं और अपने लिए मैंने एक कोलापूरी चप्पल ली और फिर हम जो है वो आगे चले गए और मैंने बस इस मार्केट का बाकी जो है वो विजिट वैसे किया अब ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है मुझे ऐसा शॉपिंग शॉपिंग कुछ करनी नहीं थी क्योंकि मेरे पास वापस ले जाने के लिए आप लोगों ने व्लॉग में पहले देखा होगा बैग छोटू सा ही था तो गुंजाइश नहीं थी कि मैं बहुत ढेर सारी शॉपिंग कर सकूं और वैसे भी यहाँ पे सारा वो फैंसी शादी वाला स्टफ़ ज़्यादा है तो मुझे शादी तो कोई अभी आ नहीं रही ज्वेलरी कमाल थी और ये जो है जी एक रोड पर ही उन्होंने बंदा बैठा हुआ था जिसके पास ये शादी से रिलेटेड हर जो है वो चीज़ रखी हुई थी जो मेहंदियों में आप ये लेके दूल्हा दुल्हा अक्सर पिक्चर्स में खड़े होते हैं आई डोंट नो वॉट यू कॉल कॉल दैम मुझे इसका नाम सही से, से नहीं याद आ रहा तो ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बड़ी मज़े मज़े की मिल जाती हैं और ये कस्टम मेड आप इस पर जो भी लिखवाना चाहो लिखवा लो ये मेहंदी रखने के लिए सारे जो खूबसूरत खूबसूरत थाल होते हैं वो सब कुछ था अच्छा लिबर्टी मार्केट का कम्प्लीट विज़िट करके तो फिर हम बच्चों ने खाना वाना तो खा लिया था लेकिन इनका थोड़ा सा मूड हुआ आइसक्रीम वगैरह का तो अब हम जो है वो जा रहे हैं देखने के लिए कि भाई खाने पीने का क्या सिलसिला है और वो बेचारा बच्चा जो है ना रोक रोक के हमें कह रहा है कि यहाँ पे आके बैठ जाओ लोग रोक रोक के आपको रेस्टोरेंट्स के वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे आके हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा लें हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा लें तो आगे एक बड़ा मज़े का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि फ़ूड स्ट्रीट का है वो ज़रूर देखिएगा स्ट्रेट ट्यून रहे उसमें आपको सही में पता चलेगा कि किस तरह से लोग रोकते हैं आपको खाना खाने के लिए और कन्वेंस करते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का खाना सबसे अच्छा है अच्छा जी ये आइसक्रीम शॉप के सामने हम खड़े थे तो थोड़ी देर में जो है ना ये मास्क वाला आ गया और हम अभी रोड वगैरह का व्यू कर रहे थे और मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कितनी रौनक है यहाँ पे रात के टाइम भी इस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त हो गया लेकिन अभी भी काफ़ी लोग एंड एवरीथिंग और बहुत सारे लोग जो है वो आइसक्रीम खाने या कार्स में भी आए हुए थे और हम बच्चों को भी अपनी हम भी अपने बच्चों को आइसक्रीम वगैरह दिला रहे थे तो ये मास्क देख के एज़ यूजल जो है जैसा कि हो गई नीयत ख़राब तो उनको दिलाने पड़ गए तो अब जो है जजा और मेरी फ्रेंड का जो बेटा है मोहम्मद अली वो इस वक्त सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा मास्क ख़रीदें तो बच्चों ने फिर अपने जो वो है वो मास्क सेलेक्ट किए फ़ाइनली मोहम्मद अली और जजा ने अपना मास्क सेलेक्ट कर लिया है मोहम्मद अली ने आई बिलीव लिया है जोकर और जजा है मिनी माउस इन दोनों तो को मैंने कहा कि डांस करो तो वो बच्ची तो मेरी उसमें स्प्रिंग लगे हुए वो फ़ौर ही उछलना शुरू हो गई और मोहम्मद अली जो है वो नेक्स्ट लेवल फ़नी बच्चा है तो वो बस जो है ना जो मास्क लगाया तो उसे उसी की तरह वो बंदों वाला मास्क लगाया हुआ तो था तो बंदों की तरह चलने लग गया और ये पीछे मासूम सी बच्ची जो है वो गजरे लेके खड़ी हुई थी और हम ऑलरेडी इससे गजरे खरीद चुके थे मगर ये कह रही थी कि और ले लो मैंने कहा क्या सर पे पहनूँ गले में पहनूँ हाथों में पहन तो लिए तरस आता है इन लोगों के ऊपर मगर जितने ले सकते थे ले लिए मैंने भी मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बहुत पसंद है गजरे और बाइदी मुझे मेरे मियाँ ने दिलाए थे हाँ 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 तो <laughs> तो मेरा वॉइस ओवर कभी कभी बहुत फ़नी हो जाता है मुझे पता है बोलती चली जाती हूँ मैं अच्छा जी ये अब आ गई है आइसक्रीम और इस बच्चे को मैं कही थी कि थोड़ा सा डांस दिखा दो तो इसने ये मुझे डांस दिखाया कोई अजीब व गरीब हिला ही नहीं जा रहा इससे ऐसा लग रहा है खैर एनी वे ये आइसक्रीम वगैरह खा के और ये सारा काम करके जी हम थोड़ा सा आगे और बढ़े तो एक खिलौनों वाला हमें नज़र आ गया और जज़ा की ये जो ट्रांसपेरेंट बलून है ये जजा वहाँ ट्रोरटो में भी देखती है तो उसकी नीयत ख़राब होती है और उसने लाहौर में भी देखा तो उसने कहा ये मुझे दिला दें तो जजा को हमने जो है ये वाला बलून दिलाया और उसके बाद जो है साथ में अजर को ये लेज़र लाइट दिलाई जो कि आसमान पे जो है ना शिडिंग पिडिंग हो रही थी सही के लश्ारें मार रही थी तो वो अजर साहब को चाहिए थी तो जजा को कुछ दिलाएं और अजर को ना दिलाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने को इकट्ठा दिलाना पड़ता है तो अजर ये जो है ना इस लाइट के साथ जो है वो फ़न कर रहा था बहरहाल छोटा सा ये लिबर्टी मार्केट का विज़िट जहाँ से जब सिर्फ ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि लिस्ट में लिखी हुई थी कि लेके आनी है वहाँ से तो इस बहाने ये मार्केट देखने को मिल गई और देख के दिल खुश हो गया और यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो उन पर लाइक कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें अपना बहुत ख्याल रखें मुझे दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़